नमस्कार, सभी आंगनबाड़ी सेविका बहन का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में। तो बहनों, फाइनली पोषण ट्रैकर ऐप में एक और नई अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो अपडेट है आप लोगों के लिए 19.2 का ये अपडेट आ चुका है। बेसिकली 19.1 के अपडेट में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पिछले अपडेट में देखी थी, क्या क्या बदलाव किया गया है। तो इस बार जो 19.2 का ये अपडेट आया है, इससे कि आप लोगों के लिए यहाँ पे तीन ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनके बारे में आप सभी सेविका बहनों को इस वीडियो के अंदर बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या यहाँ पे चेंज किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर ऐप को यहाँ से बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आके हम यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सभी सेविका बहन इसको अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे तो ये 22 सितंबर 2023 का ये अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी क्या क्या यहाँ पे चेंजेज किए गए हैं। तो चलिए पहले मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। जब तक ये अपडेट हो रहा है आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों का लाइक आजकल बहुत कम आ रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और आपके लिए हम इस प्रकार से नई नई वीडियोस लेके आते रहें। तो देखिए, हमारा फाइनली यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद पहले अपडेट की ओर बढ़ेंगे। जो पहला अपडेट है यहाँ पर आप देख पाएंगे, यू विन प्रोफाइल एडेड फॉर वैक्सीनेशन डिटेल्स। यानी कि समझिए, जो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में काम करते हैं, जिसमें कि जो बच्चे हैं 0 से लेकर 6 साल के, उन बच्चों के प्रोफाइल में एक नया प्रोफाइल ऐड किया गया है यू विन पोर्टल करके, जिसमें कि जो बच्चे का वैक्सीनेशन डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आप वहां पे चेक कर सकते हैं। आते हैं यहां पे पोषण ट्रैकर ऐप पे। पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करने के बाद यहां पे हम बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी को ओपन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ओपन करने के बाद जो भी यहां पे बच्चों की लिस्ट दिख रही है या जो भी कैटेगरी दिख रही है बच्चों की, उसमें से किसी एक बच्चे की कैटेगरी को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर उनके नाम के ऊपर टच करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं कि एक प्रोफाइल को ऐड किया गया है, व्यू यू विन वैक्सीनेशन। इसका मतलब हुआ कि जो भी बच्चे हैं उनका आप यहां पे इस प्रोफाइल में जाके उनका वैक्सीनेशन का डिटेल्स चेक कर पाएंगे कि इनको कौन सा टीकाकरण देना है नहीं देना है। सारी चीज़ें आप लोगों को यहां पे एक प्रोफाइल में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे अभी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपका जो ऑप्शन है वो नहीं ओपन होगा। यहाँ पर बोल रहा है हेल्थ आई डी इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि ये हेल्थ आई डी से रिलेटेड है। जो भी बच्चे हैं उनका हेल्थ आई डी बनेगा, उसके बाद ही आप लोग ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए ये पहला अपडेट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की ओर। जो दूसरा अपडेट है वो क्या कह रहा है, चेक अप्लाइड फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यू हाइट कैन नॉट बी लेस देन प्रीवियस हाइट। जैसा कि आप सभी लोग पोषण ट्रैकर ऐप में ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसमें जो ग्रोथ मॉनिटरिंग करते टाइम जो बच्चों का आप हाइट डालते हैं, तो अब आगे से आपको हाइट कम नहीं डालना है। जो भी आपने प्रीवियस हाइट डाला है उस हाइट से आपको आगे जो भी हाइट होगा वो आपको ज़्यादा ही डालना है। चलिए, यहाँ पे हम आते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पे और आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाते हैं कि ये अपडेट क्या कर रहा है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में। किसी एक बच्चे की कैटेगरी को आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो पिछला रिकॉर्ड डाला है, जैसे कि सितंबर महीने में जो भी हमने बच्चों का हाइट डाला है, वो अब आगे महीने में जब हाइट डालेंगे तो उसका हाइट 77 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ सेविका बहन जो है वो 77 जो हाइट है वो फिर अगले महीने में वो हाइट गलती से 76 कर देती थी, जिसके चलते ये अपडेट आया हुआ है कि अब आपको हाइट इससे कम डालेंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे हम इस बच्चे का जो हाइट है वो 76 डाल के देखते हैं सबमिट हो रहा है या नहीं। तो प्रीवियस हाइट 77 है और यहाँ पे मैंने अभी का जो हाइट डाला है वो 76 डाला है और यहाँ पे 9.7 जो इसका वज़न है वो मैंने डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दे देगा, हाइट कैन नॉट बी लेस देन प्रीवियस हाइट। तो इसका मतलब यही है कि अब आप लोग जब भी बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे तो जो भी बच्चे का प्रीवियस हाइट रहेगा उससे आपको बढ़ा के ही डालना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का हाइट कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ते ही रहता है। तो इस चीज़ के लिए ये दूसरी अपडेट आप लोगों के लिए दी गई है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे इस दूसरी अपडेट को। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे अपडेट की ओर। तीसरा जो अपडेट है वो आप लोगों का यहाँ पे बता रहा है, हाइट एंड वेट रेंज रिमूव फ्रॉम द फॉर्म।
तो चलिए अब हम यहाँ पे तीसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अपडेट क्या है? तीसरा अपडेट भी इसी में आप लोगों को समझना है, जो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग वाली लिस्ट है उसी में भी ये तीसरा अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, मेंशन किया गया था यहाँ पे कि इस बच्चे का जो हाइट है वो इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे एक वज़न में भी आप लोगों को एक चीज़ मेंशन की गई थी कि इस बच्चे का वज़न इतना से इतना केजी के बीच में होना चाहिए। 19.1 के पहले आप लोगों को ये सारी ऑप्शन दिख रही थी, लेकिन इस अपडेट के आने के बाद यहाँ पर जो ये चीज़ मेंशन की गई थी उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। अब आप जब ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे तो आप अपने ग्रोथ चार्ट के अनुसार ही ग्रोथ मॉनिटरिंग कर पाएंगे, तो आसानी होगी। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन था उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, पिछला जो 19.1 में जो आप लोग देख रहे थे वो चीज़ें यहाँ से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया था 19.1 के अपडेट तक कि आप लोग का जो भी हाइट वेट आप लोग डालेंगे वो इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, और वजन आपको इतना से इतना के बीच में आपको रखना है। तो ये चीज़ें आपको 19.2 में हटा दी गई है। अब आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ चार्ट के अनुसार ही आप लोग वहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो 19.2 का अपडेट आया है इसमें सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि क्या क्या अपडेट आए थे। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।